अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आप लोग अपने चैनल कुकिंग विद नाज़रीन में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, गोभी बनती है आलू के साथ भी, गोश्त के साथ भी, और हम लोग उसको सिंपल गोभी को भी बना सकते हैं। लेकिन इन तीनों के मिलाप के साथ आज हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं, वो है आलू गोभी गोश्त की। तो गोश्त ऐसे सबको पता है कि हम लोग बनाते हैं। मैंने भी यहाँ पर प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हरी मिर्च डाल के पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे पानी इसको मैं रिड्यूस कर रही हूँ, इसके बाद मैं जो सी इसकी वो भुनाई कर लूँगी और फिर गोभी को जो सा है वो मैं शामिल कर दूँगी। बहुत झटपट बन जाती है, बहुत पसंद होती है लोगों को। तो अक्सर उकात जो सा होता है मसला वो ये कि गोभी खड़ी रह जाती है। कुछ लोगों को खड़ी गोभी पसंद होती है, कुछ लोगों को थोड़ी सी मतलब नरम पसंद होती है। ठीक है, तो आज हम मज़ेदार सी गोभी गोश्त की और आलू के साथ रेसिपी को शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और हमें सपोर्ट करना है जी। तो भी बस गोश्त मैंने भून लिया है, मैंने गोभी शामिल कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि बताया कि हम लोग तीन चीज़ें बना रहे हैं, आलू भी है, गोश्त भी है और गोभी भी है। तो गोश्त हमने पका लिया, उसी के अंदर मैंने उसी बर्तन में जो सी है वो गोभी भी डाल दी है पकने के लिए। ठीक है, तो अब गोभी को हम लोगों ने मतलब इतना पका लेना कि ये जो सी थोड़ी सी बस के अंदर कसर रह जाए। उसके बाद हम लोगों ने मतलब मुकम्मल पकने से पहले इसके अंदर जो से है वो आलू शामिल करने हैं। तो अभी हम लोग गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो से दरमियानी आँच पर इसको पकने के लिए रख देते हैं। उसके बाद जो से मर्जी साइज़ के, जिस तरह आपको पसंद है आलू, आप लोग काट कर इसके अंदर वो शामिल कर दें। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसको ढक कर पकने के लिए रख रही हूँ। फिर तो फिर जब देखते हैं कि गोभी कितनी पक चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी हद तक जो सी गोभी पक गई है, ये देखें घुल भी गई है। और अभी थोड़ी सी मतलब और हम इसको पका लेते हैं। इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर जो से आलू शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अगर आप लोग चाहें तो डालें, अगर नहीं तो आप लोग मत डालें, सिर्फ आप लोग गोभी गोश्त भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे पापा ने कहा था कि आपने आलू ज़रूर डालें, तो इसलिए मैंने गोभी के अंदर जो से हैं वो आलू भी डाल दिए। अब दोबारा से इसको रख देते हैं ताकि जो आलू गोभी हमारे घर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आलू भी हो गया, गोभी भी हो गई है, गोश्त भी हो गया, तो सब कुछ हो गया बिल्कुल फाइनल। अगर चाहे तो थोड़ा सा और आप घी या तेल शामिल कर सकते हैं। तो सो करते हैं डिशर्ट और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, अब माशाल्लाह मैंने इसको कर लिया डिशर्ट, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो आई होप कि आप लोगों को जो सी आज गोभी गोश्त और आलू के साथ जो रेसिपी मैंने तैयार की पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और हमारे को किसी नाजर को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को में दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।